हे गाइस, आज मैं बना रही हूँ वनीला केक। और ये मैं ईस्टर स्पेशल में ये केक बना रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसे मैं माइक्रोवेव में बनाऊँगी। और जो भी बनाना चाहते हैं इस ईस्टर के मौके में, या फिर ऐसे ही आप लोग ओकेजनली या ऐसे ही बनाना चाहते हो, तो आप लोग इस प्रोसेस से बना सकते हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से घर में केक बनाती हूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल देसी खाना खजाना बाय सरोजनी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बाउल ली। बाउल में मैं यहाँ पे टोटल 4 अंडा मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग को आप लोग चाहे तो 3 अंडा में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरह से बना रही हूँ मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो आप लोग देखते जाइए, आप लोग स्किप मत कीजिएगा, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। तो आप लोग अगर स्किप करेंगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है और केक नहीं बनेगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं टोटल 4 अंडा मैं यहाँ पर ले रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे चीनी को पहले से ही ग्राइंडिंग करके मैं उसका मतलब पाउडर बना के रेडी करके रखी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अंडा लेने के बाद यहाँ पे देखिए, मैं पूरा कटोरा ऑयल नहीं ली हूँ, आधा कटोरा ली थी। तो मैं यहाँ पे ऑयल में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद देखिए, यहाँ पे शुगर मैं पूरा कटोरा, एक कटोरा शुगर को मैं पाउडर करके रखी थी। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और हम लोग इसे एक साइड में फेंटते जाएँगे, ठीक है। और पूरा एक ही बार में आप लोग मत ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आप इस तरह से आप लोग शुगर का पाउडर को आप लोग डालिए और इस तरह से आप लोग एक तरह से आप लोग फेंटिए, ठीक है। एक ही बार डाल देने से क्या होगा ना, लंग्स हो जाएगा और उससे आप लोग फेंटने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ऐड करेंगे। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग इसे जितना अच्छे से फेंटेंगे ना, तो केक उतना अच्छे से फूलेगा और उतना अच्छे से बनेगा। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा दिक्कत होती है फेंटने में, बट आप लोग को अगर केक अच्छा बनना है, अच्छा सॉफ्टी केक आप लोग को चाहिए, तो आप लोग उस हिसाब से आप लोग को अच्छे से फेंटना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल मैं इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से फेंटी। आप लोगों को पता कैसे चलेगा, देखिए यहाँ पे फेंटने के बाद ना ऐसे झाँक निकलेगी, ठीक है। तो आप लोग को मतलब पता चल जाना चाहिए कि ये अच्छे से फेंट चुके हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अंडा, तेल और मैं शुगर, ये तीनों को मिला के अच्छे से मैं यहाँ पे फेंट चुकी हूँ। फिर भी इसे मैं और 5 मिनट के लिए मैं फेंट रही हूँ, टोटल मैं 15 मिनट के लिए फेंटी। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से हम लोग फेंट चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे मैदा एक कटोरा, ठीक है, एक कटोरा चीनी का पाउडर में ली थी, अभी एक कटोरा मैदा ले रही हूँ। तो इसे भी हम लोग सेम उसी प्रोसेस में, जैसे कि हम लोग शुगर का पाउडर को ऐड कर रहे थे थोड़ा थोड़ा करके, इसे भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और ऐसे फेंटते जाएंगे, ठीक है। तो मैदा भी यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ऐड करके अच्छे से आप लोगों को फेंटना है। तो वही सेम बातें मैं बोलूँगी कि आप लोग अच्छे से फेंटिए, ठीक है, ताकि मतलब केक बहुत अच्छा बनेगा और सॉफ्ट बनेगा और अच्छे से फूलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा मैदा को यहाँ पे मैं ऐड कर चुकी हूँ और अभी मैं इसे भी करीबन मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसे मैं अच्छे से मैं इसे फेंट लूँगी, ठीक है। तो देखिए अच्छे से फेंट चुकी थी। यहाँ पे मैंने मीठा सोडा आधा चम्मच मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर मैं पूरा एक चम्मच मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद मैं इसे टोटल 20 मिनट के लिए फेंट चुकी थी। इसके बाद मैं यहाँ पर बेकिंग सोडा और मीठा सोडा मैं यहाँ पर ऐड की। ऐड करने के बाद इसे भी हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। इसे भी हम लोग और 5 मिनट के लिए अच्छे से हम लोग फेंटेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पे फेंटेंगे 5 मिनट के लिए। तो इसे अच्छे से हम लोग देखिए स्टार्टिंग में कैसे थी और अभी कैसे फेंट ली है। तो यहाँ पे मैंने वैनिला एसेंस में ले रही हूँ। इसके बाद हम लोग इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। आप लोग चाहे तो आप लोग अगर कुछ कलर देना है तो आप लोग इस वक्त वो कलर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे फूड कलर ऐड नहीं कर रही हूँ, बस वैनिला एसेंस ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ। इसे हमें यहाँ पे ऐड करने के बाद इसे भी हम लोग अच्छे से इसे मिला लेंगे, ठीक है। मिलाने के बाद इसे हम लोग अच्छे से घोल लेंगे। देखिए बटर हम लोग का बिल्कुल ऑलमोस्ट बन के तैयार है, एकदम मतलब पूरा चिकना आप लोग को अच्छे से फेंटना है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही बटर ये बटर को आप लोग जैसे ही आप लोग यहाँ पे फेंटेंगे, देखिए आप लोग इस तरह से ऊपर उठा के देखिएगा, अगर ये
बहुत अच्छे से गिर रही है, तो इसका मतलब है कि बटर बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग माइक्रोवेव को प्री हीट करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे कन्वेक्शन का मोड रहता है, तो आप लोग जैसे ही ऑन करेंगे माइक्रोवेव को तो पहले वहाँ पे जीरो वाला आएगा। और देखिए यहाँ पे जो छोटा वाला स्टैंड है इसे हम लोग लेंगे, बड़ा वाला को नहीं लेंगे। ठीक है, तो छोटा वाला स्टैंड को पहले यहाँ पर हम लोग अंदर में रख देंगे। रखने के बाद यहाँ पे हम लोग बंद कर देंगे। उसके बाद साइड में कन्वेक्शन का मोड है, ठीक है, उसे हम लोग ऑन करेंगे। ये फिक्स रहता है, 180 डिग्री ही रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद हम लोग इसे 10 मिनट के लिए हम लोग इसे प्री हीट करेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हम लोग सेट कर देंगे, 10 मिनट सेट कर दी। इसके बाद फिर से हम लोग स्टार्ट बटन ऑन कर देंगे, तो ये 10 मिनट के लिए प्री हीट हो जाएगी। तो तब तक हम लोग जो बटर हमने रेडी किया है इसे हम लोग पूरा रेडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने केक बनाने के लिए जो बर्तन होता है उसे मैं ली, और यहाँ पे बटर को मैं अच्छे से चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप लोग बटर पेपर यहाँ पे रख के उसके ऊपर ही जो केक बनाएंगे वो बटर को आप लोग डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास बटर पेपर नहीं थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आप लोग अच्छे से यहाँ पर ऑयल को चारों तरफ अच्छे से लगा लीजिए, ताकि नीचे से आप लोग का केक जो है ना जले। ठीक है, नहीं तो चिपक जाएगा, तो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग देखिए नीचे और साइड में भी बहुत अच्छे से आप लोग ऑयल लगा लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से ऑयल लगा लिए हैं। इसके बाद हम लोग जो बटर रेडी करके रखे हैं इसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बटर जो हमने लिया था इसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे, मतलब तो जो जितना भी बटर था इसे हम लोग यहाँ पे डाल दिए। डालने के बाद हम लोग आप लोगों को जो भी काजू किशमिश जो भी आप लोग के पास है चेरी, आप लोग इस वक्त उसे यहाँ पे सजा सकते हैं। तो पहले आप लोग डालने के बाद ना थोड़ा सा सेट कर दीजिएगा, इस तरह से आप लोग थोड़ा सा इसे हिला दीजिएगा ताकि चारों तरफ अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं काजू किशमिश आप लोगों को जो भी पसंद है ड्राई फ्रूट्स आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को किशमिश उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे दे रही हूँ, और काजू मैं यहाँ पे दे रही हूँ। आप लोग आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास टूटी फूटी कुछ थी, तो मेरे को टूटी फूटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसे मैं थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ। तो और इसके बाद आप लोग को जैसे कि किसी किसी को चेरी अच्छा लगता है तो आप लोग चेरी भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स चाहिए आप लोग इस वक्त उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर बस मैं काजू किशमिश और टूटी फूटी मैं यहाँ पर ऐड कर दी। देखिए इस तरह से अच्छे से मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। तब तक हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग प्री हीट में रखे थे फ्रेंड्स, देखिए ये बिल्कुल प्री हीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग का सिग्नल दे दिया कि ये कंप्लीट हो चुकी है। 10 मिनट के लिए हम लोग प्री हीट रखे थे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, केयरफुली थोड़ा सा गर्म रहता है अंदर में, तो थोड़ा सा यहाँ पे ग्लव्स पहन के हम यहाँ पे इसको अंदर में रख देंगे। ठीक है, क्योंकि अंदर थोड़ा प्री हीट किया है तो गर्म हो चुकी है, तो इसे हम लोग अंदर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इसको रखने के बाद इसे हम लोग ढक देंगे। ढकने के बाद इसे हम लोग फिर से सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग कन्वेक्शन को ऑन कर दिए, 180 डिग्री हो गया। देन हम लोग स्टार्ट बटन दिए। अब यहाँ पे मैं इसे 25 मिनट के लिए मैं यहाँ पे बेक करूँगी। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग के पास कौन सा कंपनी का माइक्रोवेव है, आप लोग उसी हिसाब से ही आप लोग को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एलजी का है और 25 मिनट में बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मेरा 25 मिनट कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये सिग्नल दे दिया, ये बिल्कुल हो गया है 25 मिनट। अब हम लोग इसे जो स्टॉप बटन है इसे हम लोग स्टॉप कर दिए, क्योंकि ये एंड हो चुकी थी। अब जो मेन स्विच है उसे भी मैं बंद कर दी। ठीक है, अब हम लोग इसे निकाल के देखेंगे कि ये मतलब अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसे निकाल लेंगे केक को। देखिए एकदम अच्छे से बनी है, बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है। अब हम लोग एक टूथपिक में हम लोग इसे चेक करेंगे। ठीक है, तो टूथपिक लीजिए, पहले आप लोग इसे बहुत आराम से इसे अंदर में प्रेस करके डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए
अगर टूथपिक में एक भी दाना नहीं लगा है केक का, तो समझ जाइए कि केक बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। ठीक है, अब हम लोग दोबारा और एक बार चेक कर लेते हैं। तो टूथपिक देखिए यहाँ पे डालने के बाद हम निकालें, टूथपिक में एक भी नहीं लग रहा है कुछ भी। ठीक है, इसका मतलब केक अंदर से भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो देखिए केक बहुत अच्छे से एकदम स्पॉन्ज जैसे बहुत अच्छे से फूला है और बहुत अच्छे से बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स चलिए, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी ईस्टर, और जो भी मेरे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।